हाय गाइस, वेलकम बैक टू कार्स क्लोसेट। आज हम बात करने वाले हैं होंडा एसपी 125 के बारे में। ये आप इसका पर्ल सिरेन ब्लू कलर देख रहे हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। क्विकली अगर हम इसके फ्रंट लुक्स के बारे में बात करते हैं गाइस, तो काफ़ी अट्रैक्टिव एलईडी हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये कुछ आप इसके इंडिकेटर्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रीन एंड ग्रे कलर में काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि इसको काफ़ी प्रीमियम लुक्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसके फ्रंट मडगार्ड के बारे में बात करें तो आपको वो प्लास्टिक में प्रोवाइड किया गया है। इसके बोथ साइड ही आपको रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम इसके टायर्स के बारे में बात करते हैं गाइस, तो 80x100R18 यानी कि आपको इसमें 18 इंच के व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ में इसमें दिए गए हैं। इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक भी देखने के लिए मिलता है जो कि आपको काफ़ी अच्छी एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर आपको इसकी किक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम इसके साइड के बारे में बात करते हैं गाइस, तो होंडा का प्रोड लोगो आपको यहाँ पे दिया गया है जो कि 3D में आपको प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको साइड में काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एसपी 125 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम इसके रियर के बारे में बात करते हैं गाइस, तो नॉर्मल हेलोजन टेल लैंप्स आपको यहाँ पे दिया गया है। इंडिकेटर्स की प्लेसिंग यहाँ पे की गई है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। लाइसेंस प्लेट की लाइट आपको येलो कलर में देखने के लिए मिलती है। इसके रियर में आपको रेड कलर में सस्पेंशंस देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि लॉन्ग जर्नीज में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसके मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं गाइस, तो फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको इसमें देखने के लिए मिलता है जिसमें आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैनेज कर सकते हैं जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, गियर स्कोप ही इवन आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। होंडा का 3D में लोगो आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर हम इसकी सीट के बारे में बात करते हैं गाइस, तो काफ़ी कंफर्टेबल एंड कुशनी सीट आपको इसमें देखने के लिए मिलती है जो कि लॉन्ग जर्नीज में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करते हैं गाइस, तो 124cc इसका पेट्रोल इंजन आपको इसमें दिया गया है जो कि मैक्सिमम 10.72 BHP एंड 10.9 NM का टॉर्क आपको निकाल के देता है। ये इंजन काफ़ी रिफाइनमेंट के साथ में इसमें दिया गया है। अगर गाइस हम इसके डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं, तो 2020 mm लेंथ, 785 mm विड्थ, 1103 mm हाइट, 1285 mm आपको इसमें व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। ये कुछ आप इसका 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं। दिस इज़ ओल्ड एंड अबाउट होंडा एसपी 125। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज। अगर आप होंडा का कोई भी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो यू में होंडा गुड़गांव में आप श्योरली विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे मॉडल एंड वेरिएंट्स इजीली अवेलेबल देखने के लिए मिल जाते हैं जिनको आप इजीली यहाँ पे टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं।